गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, मैं अभी हूँ अपने रियासत में, अपनी हवेली पर। ये महाराजा की हवेली देख रहे हैं आप पीछे, और काफ़ी दिनों बाद मौका मिला है यहाँ आने का। आज मैं आपको हमारा स्नानागार, जिसे आज की भाषा में बाथरूम बोल सकते हैं, रूम नहीं है, ओपन है, काफ़ी बड़ा टब है महाराजा स्टाइल, मैं आज आपको दिखाऊँगा। बने रहिए मेरे साथ। वो थोड़ा सा दूरी पर है, वहाँ तक जाने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, या तो अपना घोड़ा या अपना रथ निकालना होगा, उसके बाद ही वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ आपको अपने स्नानागार, वृद्ध स्नानागार, बड़ा स्नानागार महाराजा का। तो काफ़ी देर बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ अपने स्नानागार पे, और मैं अभी आपको अपने स्नानागार दिखाता हूँ। आप देखेंगे तो आप भी इंजॉय लेंगे इस चीज़ का, बहुत सुंदर प्यारा सा है। बने रहिए मेरे साथ और देखिए स्नानागार मेरा। पत्थर है और इन पत्थरों के बीच में एक छोटा सा स्नानागार हमारा है, और वो है ये सामने हमारे छोटे भाई खड़े हैं विजेंद्र, और नीचे दिख रहे वो है मनोज। ये हमारा स्नानागार है ना शानदार। ये काफी पानी है इसके अंदर, काफी गहरा है, और हम लोग इसी में तैर तैर कर स्नान करने आ रहे। इधर हमारे बड़े भाई सब नहा रहे हैं, साइड में तैरने से डर लगता है, इसलिए कोने में जा घुस गए हैं। तो अब हम चलते हैं इसमें, और इसके अंदर हम तैरेंगे भी, आपको हम दिखाएंगे स्विमिंग कैसे की जाती है। काफ़ी बड़ा है ये हमारा स्नानागार। मैं इसकी व्याख्या करूँ तो ये धौलपुर ज़िले का सरमथुरा तहसील का गाँव मानपुरा है, जो लाल और सफ़ेद पत्थर के लिए फेमस है। आप देख रहे होंगे यहाँ पत्थर पत्थर पड़ा हुआ है। तो ये खनन कार्य के द्वारा यहाँ काफ़ी गड्ढा हो गया था, यहाँ पर लोगों ने पत्थर निकाला, उसके बाद काफ़ी गहरा गड्ढा हो गया जिसमें बारिश का पानी भर जाता है, और ये पानी वही है, बहुत साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन पानी है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने स्विमिंग पूल के अंदर, आप देख रहे काफ़ी पानी है, गहरा है। तो अभी मैं स्विमिंग पूल के अंदर हूँ, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, इसमें वही आदमी नहा सकता है जो स्विमिंग करना जानता है, जो तैरना जानता है। और तैरने की कला आप सीखोगे तभी सीख पाओगे। गहरा पानी है काफी है, बहुत गहरा पानी है, बहुत गहरा है। गहराई हाँ, आप गहराई देखिए पानी की। अरे बाप रे, 6 फीट का बंदा है पूरा अंदर चला गया, लगभग 10 फीट के समथिंग पानी इसके अंदर होगा इसकी गहराई। काफी स्विमिंग बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, थक जाते हैं लेकिन मजा आता करने में। मौका मिले तो छोड़ना मत इस मौके को, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अभी नहा लेता हूँ अच्छी तरह से, और आपने देखा महाराजा का स्नानागार, आप भी इंजॉय लीजिए, कभी आइए रियासत, दिखाते हैं आपको हमारा स्नानागार। अगली वीडियो के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, और जल्दी मिलूंगा आपसे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो। यस हेलो दोस्तों, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि विषम परिस्थितियों के अंदर कैसे तैरा जाता है। ये बहुत ही गहरी झील टाइप की है हमारे गाँव में, गाँव मानपुरा। अब हम आपको बताते हैं कि तैरा कैसे जाता है इस तरह की गहरी झीलों के अंदर। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं सीधा तैर रहा हूँ, सीधा नहीं सॉरी उल्टा, ओह अब सीधा तैर के देखा था। आपको पानी ही बता देता हूँ यहाँ कितना गहरा है, देखिए। कुछ मिला के नहीं मिला नीचे। ओके थैंक यू। पैसा कटाओ।
अब नहाने के बाद हम बहुत थक गए और थकने के बाद अभी खाना खाएंगे और हमारी मम्मी हमें खाना खिला रही है बिठा के हम भाइयों को, और मम्मी ने काफ़ी इंटरेस्टिंग बहुत ही टेस्टी खाना बनाया। मैं आपको बताता हूँ, आप भी कभी आए इधर तो इस खाने का एंजॉय करिए। माताश्री हैं और ये खाना देखिए, ये चावल और चावल के बाद इसमें बूरा है और सेम है चावल बूरा। अच्छा, इसमें आपने घी डाल दिया, और इधर हमारी भाभी हैं, भाभी इसमें घी डालो। हाँ, ये इसमें चमचा भर के घी भर डालेंगे इसके अंदर, और हाँ डाल 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 ये ऐसे ये। स्विमिंग करने के बाद इतना थक जाते हैं कि उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो जब भी हम स्विमिंग करके आए तो इस तरह का एनर्जी एनर्जेटिक खाना जरूर खाएं, जिससे कि आपकी बॉडी में वो एनर्जी बनी रहे। मूछें भी तभी इसी इस तरह की मूछें भी तभी बनेंगी जब इस तरह का खाना खाएंगे। सभी को समझ में आया? अभी भाई साहब क्या बोल रहे हैं? कुछ नो कमेंट्स क्योंकि मूछें नहीं, इसलिए वो कमेंट नहीं कर रहे। ओके।